हमसे अपनी गटर लाइन सीधी नहीं पड़ती, हमने एटम बम बनाया है। इंडिया से मैं उसी तरह नफरत करता हूँ। नरेंद्र मोदी, तुमने एक बात अच्छी तरह से जान लो, हमने एटम बम बनाया है। 2 घंटे की मार है ये सब कुछ। के पाकिस्तान के लोग कल भी कश्मीर के लिए कट मरे थे, आज भी कश्मीरियों के साथ है, कल भी हम उनके लिए कट मरेंगे। एक मरतबा फिर मुसलमान फौजें मगरिब से आएंगी और दिल्ली पर काबिज होंगी। बैठे हैं कब से वेट कर रहे हैं। फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा भरूंगा। आप उस खत्ते में एक, जिस तरह वो कहते हैं ना कि एक डूबती कश्ती के अंदर, आपकी कश्ती के अंदर इतने सुराख हो चुके हैं, अगर 1-2 सुराख हो तो बंद करके गुजारा हो सकता है, लेकिन अगर खप्पे हो उसमें, अगर उसमें बहुत बड़ी बड़ी उसमें सुराख हो तो बड़ा मुश्किल होता है। रह गया न्यूक्लियर पावर, ये डेटरेंट है। न्यूक्लियर पावर ये नहीं है कि न्यूक्लियर पावर होने की वजह से आप कोई, आपकी अखलाकियात और आपकी कोई इक्तसादियात बेहतर हो जाएगी। गटर लाइन सीधी नहीं पड़ती, हमने एटम बम बनाया है और वो एटम बम बना करके अब हम उसकी हिफाजत करने में लगे हुए, वो साला हमारी हिफाजत क्या करेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी को मैं आज एक बात याद करवाना चाहूंगी। नरेंद्र मोदी, तुमने एक बात अच्छी तरह से जान लो कि एक बुरहान वानी लाखों बुरहान वानी पैदा कर गया। हम एटमी कुवत है। एबटाबाद में अमेरिका घुस करके आता है, ओसामा बिन लादेन को लिटाता है, उसकी लाश को उठा करके ले जाता है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, किसी को नहीं पता चलता। आसिफ अली जरदारी भी लिहाफ और सर के ऊपर ले लेते हैं। दूसरी तरफ, एक तरफ वजीर आजम पर अमेरिका का सख्त दबाव है चीन पैक से रिलेटेड। इंडिया की फिल्म देखे बगैर, जिसके मेदे में दर्द होने लगता हो, जो पॉपकॉर्न खाए बगैर 6 सितंबर को अमेरिका की फिल्म देखे, इंडिया की फिल्म देखे बगैर एक ट्वीट ना कर सकता हो, फेसबुक पे अपनी एक पोस्ट ना चिपका सकता हो पाकिस्तान के झंडे के साथ, वो बातें कर रहा है कि चैन से नहीं कद्दू, तुम चैन से ही हो। लेकिन अब दुनिया जान चुकी है कि कश्मीर में आखिर हो क्या रहा है। अब बहुत लोग इस हवाले से बात भी करते हैं, आवाज भी उठाते हैं, लिखते भी हैं, बात भी करते हैं, और कितना दबाया जाएगा, लेकिन स्टैंड नहीं लिया जाता। ये जो आलमी इदारे हैं बड़े बड़े, इंसानी हकूक के लंबरदार चैंपियन बने फिरते हैं, वो अभी तक खामोश है। कश्मीर के दर्द में मुब्तला है, पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। एक दिन के लिए वो क्या, 1 मिनट के लिए खामोशी, 2 मिनट के लिए मुर्गा, 3 मिनट के लिए उल्टे हो जाऊंगा, क्या हुआ घंटा उगाड़ लिया कुछ। बेचैनी की जिंदगी गुजार रहे हैं वो बेचारे मजलूम कश्मीरी, जिन पर वो भारत वो मर्दूद मोदी तबर्रा कर रहा है, इसकी मां का मोदी मारूं। 2 घंटे की मार है ये सब कुछ, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये 2 घंटे में खत्म हो सकता है अगर करवाने वाले चाहें तो। करने का मौका आया तो पाकिस्तान का हर बच्चा अपनी जान अपना खून हथेली पर रख के लड़ेगा, क्योंकि इस ऑनर से कौमें नहीं बचती। मैं वजीर खारजा साहब को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जब हिंदुस्तान हमसे बात नहीं करना चाहता, जब हिंदुस्तान के नजदीक हमारी कोई हैसियत नहीं है, जब हम उनके नजदीक कोई बात नहीं, हमारी कोई बात की कोई वैल्यू नहीं है, तो मुझे बताइए उनके सफीर साहब यहां क्या कर रहे हैं। हमें अपने सफारती ताल्लुकात मुनकता करने चाहिए हिंदुस्तान से। यस, करें करें करें। क्योंकि जो अजय बसरिया साहब बड़े अच्छे आदमी, जहां उनके एम्बेसडर साहब बड़े